युवा सेना में आपका स्वागत है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हम बात करेंगे आज भगवान कृष्ण के बारे में। जनरली एक विवाद सा बना रहता है माइथोलॉजी और हिस्ट्री को लेके। कुछ कहते हैं ये माइथोलॉजी है, दंत कथाएं हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई फाउंडेशन नहीं है, इनकी कोई लिंक नहीं है, आप हिस्ट्री में उनको मार्कआउट नहीं कर सकते। आपको मालूम है हम एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि इस कालखंड से इस कालखंड तक चालकोलिथिक एज था, पर उस तरीके से डिमार्केशन ना हो जाने की वजह से हम इसको हिस्ट्री नहीं मान पाते। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सवाल आ सकते हैं। आप एक तरफ देखिए तो कृष्ण को अलग अलग तौर पर अलग अलग जगह पर भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। हम जब 8th क्लास एनसीईआरटी में पढ़ते हैं डिविनिटी के बारे में तो हम देखते हैं मीराबाई, सूरदास, रसखान जो कि मुस्लिम थे धर्म से। इसके अलावा आप एकनाथ को देखते हैं जो कि मराठी में कविताएं लिखेंगे। इसके साथ में अंडल जो साउथ में है वो भी कविताएं लिखेंगी कृष्ण भक्ति में। इस तरीके की अलग अलग जो कविताएं लिखी जाती हैं इनमें अलग अलग तरीके से कृष्ण लीला को बताया गया है। और कहीं पर सूरदास जो है वो एक बाल रूप में कृष्ण के लिए कविताएं लिखते हैं, कृष्ण को इमेजिन करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मीराबाई जो है वो अपना पति मानती है और अपनी पूरी जो भक्ति करने वाली है, पूरे जो भजन लिखने वाले हैं उसी कृष्ण के स्वरूप पर देखकर लिखने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जिनको आप आज के समय बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे मथुरा के द्वारकाधीश की बात करें या फिर हम जगन्नाथपुरी की बात करें उड़ीसा में। साउथ में केरल में आप देखें तो गुरुवायूर का मंदिर है जो कि बहुत ज्यादा प्रमुख हो जाता है कृष्ण भक्तों के लिए। दूसरी तरफ चेन्नई में आप देखें तो पार्थसारथी मंदिर है जहां पर भी कृष्ण भक्त भीड़ लगाए रहते हैं दर्शन के लिए। अब ये सारी बातें तो एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हो गई। हम बात करें अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भक्ति मार्ग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने नाचकर और गाकर भक्ति से आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं उसका मार्ग दिखाया है भक्ति मूवमेंट के द्वारा। उसके साथ में अगर हम बात करें पेंटिंग्स में, चाहे आप बात करें राजस्थान में जो पेंटिंग्स हो रही, पहाड़ी इलाके में जो पहाड़ी पेंटिंग्स कहलाती हैं उनमें आप देखेंगे तो अलग अलग थीम्स लिए गए हैं कृष्ण के। कहीं आप राधा कृष्ण को थीम के तौर पर देखेंगे, कहीं आप मुरलीधर कृष्ण को थीम के तौर पर देखेंगे, कहीं आप देखेंगे कि कृष्ण जो है वो गऊओं को चरा रहे हैं। दूसरी तरफ आप बाल रूप में जैसे कि तंजावुर पेंटिंग्स हैं वहां पर आप देखेंगे कि कृष्ण जो है वो हाथ में मक्खन का एक गोला लिए हैं, एक लड्डू लिए हैं और उस तरीके से बाल रूप में भी आप पेंटिंग्स देखते हैं कृष्ण की। इसके आगे अगर हम बात करें तो मुख्य जो मंदिर है वो हमने कवर करें। इसके साथ में इंपॉर्टेंट एपिक्स जहां से हमें जानकारी मिलती है, चाहे आप सबसे बड़ी एपिक जो है वो है महाभारत या फिर आप भगवद्गीता की बात करें जो कि महाभारत के अंदर का ही एक सेक्शन माना जाता है। दोनों से ही हमें विस्तार से कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, आइडियल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है और यह जानकारी हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत ही बड़े एमबीए के जो गुरु होते हैं, जो पंडित होते हैं, एमबीए पंडित्स, वो भी अपनी वेरी फाउंडेशन या फिर किसी को अगर एमबीए के बारे में समझाना है तो वो रिकमेंड करते हैं कि आप भगवद्गीता पढ़ें। भगवद्गीता से जो आप लेसन ऑफ मैनेजमेंट सीख सकते हैं वो आप और किसी मैनेजमेंट की किताब से नहीं सीख सकते, इस तरीके की बात कही जाती है। और यही एक एंटाइसिंग पर्सनालिटी बना देता है कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान उनके लिए जो उनमें श्रद्धा रखते हैं और कृष्णा उनके लिए जो उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। और दोनों ही तौर पे उनकी मान्यताएं जो हैं या फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे आप इस्कॉन टेम्पल के तौर पर देखें जो आज देश विदेश में इस्कॉन टेम्पल फैले हुए हैं। बहुत से जो अंग्रेज या फिर फॉरनर्स हैं वो कृष्ण की जो फिलॉसफी है, कृष्ण की जो आइडियोलॉजी है और कृष्ण की जो भक्ति है उसमें लीन हो रहे हैं और इसी तरीके से भारत में भी कृष्ण भक्तों का तांता लगा रहता है। आज जन्माष्टमी के पर्व पे आपको मालूम है किस तरीके से सेलिब्रेशंस होते हैं। आज कृष्ण का जन्म होगा, हर घर में इसको कृष्ण के जन्म के तौर पर सेलिब्रेट करा जाएगा, मटकियां फोड़ी जाएंगी और इस तरीके से पूरा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है कि जो बेसिक टीचिंग्स रही हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको भी अपने दिमाग में दोहराएं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। थैंक यू।